एक छोटा सा शहर है, लेकिन इस छोटे से शहर में तुम बहुत बड़ी तादाद में यहाँ इस टाइम तक रुके हुए हो, इस बात का परिचय देता है ये कि तुम्हारे अंदर लगन है। छोटे शहर में ही सही, लेकिन तुम्हारे सपने बड़े हैं, तुम आगे निकलना चाहते हो। तभी आज संडे छुट्टी के दिन तुम 1:30-2 बजे यहाँ रुके हुए अपने टीचर्स से मिलने के लिए, कि जिन टीचर्स को डेली हम स्क्रीन पे देखते हैं, हम उन्हें लाइव देखा है। इस बात से कंफर्म हो गया कि तुम्हारे अंदर जज्बा है, तुम पढ़ना चाहते हो। अभी हम गाड़ी में आए थे ना, तो हम सोच रहे थे कि हार्डली 20-25 बच्चे होंगे। सुनील सर कहते हैं बस वही बच्चे होंगे जो थोड़े भक्तों के बच्चे, जो ज़्यादा अच्छा पढ़ते होंगे। पर सर शायद हम गलत थे, ये इतनी बड़ी तादाद 1:30 बजे तक रुकने का मतलब है आप सबके मन में हमारे प्रति प्यार है, लगाव है। पहली चीज ये एक्सेप्ट करो कि प्रकृति ने मुझे मेहनत के लिए चुन लिया। अब
उस मेहनत को तुम शारीरिक मेहनत के तौर पे करोगे या दिमागी मेहनत, ये तुम्हारे ऊपर है। मेहनत करनी पड़ेगी। दिमागी मेहनत कर लोगे तो शुरुआत का चरण थोड़ा सा मुश्किल होगा, आगे जाके आसानी होगी। एक बार नौकरी में आ गए तो लाइफ काफी हद तक स्टेबल हो जाती है ना, डर खत्म हो जाता है। सरकारी नौकरी के लिए एक मेहनत करनी पड़ेगी, मानसिक रूप से अपने आप को सबल बनाना पड़ेगा। बहुत सारी बातें आएंगी बेटा, बहुत डिस्ट्रेक्शन आएंगे। तुम जिस एरा में जी रहे हो, पिछले 7-8 साल में जो बहुत बड़ी क्रांति हुई है ना, जो ये हाथ में फोन आ गया, ये कैसी ताकत है जो तुम्हें कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। और ये ऐसा गर्त है जिसमें अगर तुम्हारा पैर फिसल गया तो फिर इस दलदल में से कोई निकाल नहीं पाएगा बेटा। ये बहुत पॉजिटिव तुम्हारी पर्सनैलिटी को बनाने की ताकत भी रखता है ये फोन, और ये फोन तुम्हें इस हद तक भी बिगाड़ सकता है कि तुम्हारे अगले पूरी जिंदगी के सालों को नष्ट कर दे, तबाह कर दे। इस्तेमाल कैसे करना है, ये तुम्हारी अपनी खुद की बुद्धि है, तुम्हारा विवेक है, तुम्हारे अंदर कितनी समझ है। तुम्हारे सामने इस टाइम जो तुम्हारी पीढ़ी है ना बेटा, हम लोग तो तुम्हारे पेरेंट्स की तरह हैं। तुम जिस सदी में पैदा हुए हो, हमारे टाइम में इतने डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे। लोग तब भी बिगड़ते थे, मैं ये नहीं कहूँ 100 बच्चे थे, लोग हमेशा से अच्छे बुरे सोसाइटी का पार्ट रहे हैं। पहले भी लोग घटिया थे, पहले भी लोग कैरेक्टरलेस थे, लेकिन बेटा अब ना साधन ज्यादा है। जैसे एक जमाने में शराब की बोतल ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, लेकिन आज आप देखो गली मोहल्ले नुक्कड़ों में शराब के ठेके हैं, अवेलेबिलिटी आसान हो गई ना। तो इस टाइम पे तुम्हारे सामने गंदगी के अवसर ज्यादा हैं। अपने आप को बचा के रखना, साफ सुथरा अपना कैरेक्टर रखना, अपने आप को इतना अच्छा रखना कि अपने ऊपर प्राउड कर सको, अपने कैरेक्टर पे आज से 20 साल बाद तुम्हें शर्म ना आए। जैसे ये सोचना चाहिए कि लाइफ सिर्फ इतनी नहीं है, आज जिंदगी नहीं है, जिंदगी आज से 30 साल बाद, 40 साल बाद, जब बुढ़ापे तक पहुंचे, जब कभी डेथ बेड पे हो, तो अपनी जिंदगी को एनालाइज करें, तो अपने ऊपर फक्र करें कि ईश्वर ने हमें बहुत खूबसूरत एक जीवन दिया और हमने उसका बेस्ट वर्जन जितना हम कर सकते थे हमारे अंदर था उसको बाहर निकाला। हर किसी के अंदर ना कोई काबिलियत है बेटा, बस उस चीज को बाहर लाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे हीरा है, सोना है, ये तबके घिसके ही बन सकते हैं। जो बाहर पड़े पत्थर है, ये थोड़ी ना हीरा और सोना बन जाएंगे। और जो चीज महंगी है, कीमती है, उसको एक प्रोसेस से निकलना पड़ता है। डायरेक्ट कोई चीज जो मिलती है ना, जैसे ये जन्म डायरेक्ट मिल गया हमें, लेकिन इस चीज को अगर निखारना है तो जैसे सोने को तपा के सोने में चमक आती है ना, हीरे का भी प्रोसेस होता है, उसके बाद उसके अंदर चमक पैदा होती है। तो उस प्रोसेस से इंसान की पर्सनैलिटी भी निकलती है। अब तुम उस प्रोसेस में अपने आप को खत्म पाओगे या तुम निखर के बाहर आओगे, ये तुम्हारा दौर है जिसमें तुम अब बैठे हो। अपने ऊपर 1 साल 1.5 साल 2 साल कुछ चीजें तुम्हारे लिए हाथ में नहीं है। जैसे सरकारी नौकरी की भर्तियां कब आएगी, भर्ती आगे पेपर कब होगे, पेपर हो गया रिजल्ट कब आएगा, या उसका आगे मेडिकल कब होगा। जिन चीजों के ऊपर हमारा जोर नहीं चलता उसमें दुख नहीं बनाना, क्योंकि जो हम कर नहीं सकते उसमें हम रिग्रेट क्यों करें। ये सब चीजें सरकारी नीतियों के तहत है, अपने समय पर होंगी। लेकिन हाँ, हम एक चीज कर सकते हैं, बहुत अच्छी तैयारी, इतनी अच्छी तैयारी कि हम जब भी पेपर होगा, जिस भी फील्ड का होगा, उसमें कुछ अच्छा परफॉर्म करके दिखाएं। और बेटा ये 4-6 महीने का सफर अब नहीं रहा, क्योंकि तुम जैसे बहुत लोग जागरूक हो गए, अब ये सफर थोड़ा सा लंबा है। इसमें 1.5 साल 2 साल कई बार नीतियों के चलते 2.5-3 साल भी लगने लग गए। लेकिन जब एक बार सोच लिया ना कि नौकरी तक पहुंचना है, तो फिर बस फिर ठान लिया, फिर हमारे सामने कोई भी चीज हमारे सपने को तोड़ नहीं सकती। और इंसान की विल पावर से ज्यादा कोई ताकतवर चीज नहीं है बेटा धरती पर, कुछ भी। जिसने ठान लिया ना कि मुझे ये करना है, फिर प्रॉब्लम्स आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन आपके मन में ये इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ होनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, मुझे अपनी ये चीज अचीव करके ही दम लेना है। और ये तुम कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हारे इसी एरिया से अंकुश अंकुश कर सकता है, तो ईश्वर ने तुम्हें उससे कितनी ज्यादा चीजें दे रखी हैं। उसको एक हेल्थी बॉडी भी नहीं मिली थी, लेकिन देखो उसने एक इच्छा शक्ति के बल पे कहां से उठे वो लड़का कहां पहुंच गया। अब जैसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, कितनी बार देखो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, हम ये बातचीत करते हैं ना, क्योंकि अभी हम पीछे कैथल ब्रांच में थे, एक बच्चा जब 7वीं क्लास में था उसके पिताजी गुजर गए। उसकी माँ एक प्राइवेट स्कूल में 2,000 रुपए कमाती थी। उस औरत ने 2,000 रुपए कमा के अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, और उस बच्चे के मन में इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट भरी कि उस बच्चे ने किसी का सहारा नहीं लिया, किसी ने उसकी मदद की ना, तो उसने कमा के उसके पैसे वापस लौटाए।
इससे क्या पता चला कि हालात खराब किसी के भी हो सकते हैं, उस हालातों को डट के सामना करना चाहिए। और इंसान बेटा जानवर से बहुत ऊपर है, जानवर में तो अकल नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अपने लिए लड़ता है। तो तुम्हारा भी एक करियर की लड़ाई है, एक रण क्षेत्र है, इसमें डटे रहना, तब तक हार नहीं माननी जब तक कि वो चीज अचीव ना हो जाए। और जिस दिन अचीव हो गई तो हार के तो चांस ही खत्म हो जाएंगे। तो अपना एक सेट टारगेट बनाओ, गोल बनाओ, और उसके लिए चारों तरफ के डिस्ट्रेक्शन से हटके सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करो, फिर सफलता 100% तुम पर पहुंच जाएगी। किस्मत, नियति, भाग्य, लक, जो ये शब्द है ना बेटा, ये है, मैं मानता हूं ये नहीं कहती नहीं होते, ये होते हैं, लेकिन ये आपके समय के साथ बदलते हैं। लोगों के हाथों की लकीरें सदा एक जैसी नहीं होती, तुम देखते हो तुम्हारे हाथों की लकीरें कभी हल्की हो जाती है, कभी गाढ़ी हो जाती है, कभी भर जाता है हाथ हथेली, कभी कम हो जाती है, ये बदलती है बेटा, ये कर्म से बदलती है। जिस इंसान ने कर्म किया ना, उसका भाग्य 100% बदलेगा। अच्छा बुरा समय दौर है जिंदगी का, अगर जिंदगी मिली है तो ये मान के चलो कभी बुरा समय भी देखना पड़ेगा। 100% हर दिन अच्छा आज तक इस धरती पे किसी का नहीं हुआ। भगवान श्री राम जब इंसान के रूप में जन्मे, कष्ट होगा ना, जब भगवान कृष्ण ने बच्चे के रूप में जन्म लिया तो कष्ट होगा, जब भगवान होके कष्ट भोगे गए तो इंसान है। ये फेज ऑफ लाइफ होते हैं, प्रॉब्लम्स का आना, पिताजी चल बसे, माता जी चल बसी, घर में कोई दिक्कत आ गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, इसको एक फेज मानो, लेकिन इसको डट के सामना करके और अपनी चीजों को अपने कंट्रोल में लेना है, अपने समय को आगे से पकड़ना है। आज 2024 है, 25 तक अपने आप को इतना सबल बना लो, इतना ताकतवर बना लो कि जहां जो नौकरी का फॉर्म निकले उसमें तुम एलिजिबिलिटी को क्रॉस कर दो, जितने पे लिस्ट लगी हो तुम्हारे उसके नंबर 5 या 7 या 8 10 ज्यादा ही ज्यादा हो, तुम बॉर्डर लाइन पे पास होने वाले ना कहलाओ, क्योंकि बॉर्डर वाला फिर लटक जाएगा। जितने पे लिस्ट लगे ना उससे 8-10 नंबर ऊपर का टारगेट रखना। और बेटा ये इंसान ही है जो मेहनत करते हैं इस तरह की, मुझे जिंदगी में टारगेट बनाना है। जानवर तो रोज का जीवन जीते हैं, हम आगे का भविष्य भी सोच के अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो अपने प्रति ईमानदारी, एक दृढ़ इच्छा शक्ति, ये स्टूडेंट लाइफ में बहुत जरूरी है। मेहनत करते जाओ, 100% एक दिन जो चाहते हो उसको अचीव कर दोगे। मेरा बहुत सारा प्यार।